Good morning, students. Today we are carry forwarding the other rules, how to calculate many other perquisites given by the employer. Yesterday we discussed perks taxable for all type of employees. Today we are going to discuss perks which are taxable only for the specified employees. So let us first clear the meaning of specified employee. Specify employee or specific employee. If there is an employee who fulfills any of the three condition, तीन शर्तें होती हैं विशिष्ट कर्मचारी कहे जाने के लिए, या तो वो कर्मचारी उस कंपनी जिसमें वो एम्प्लॉई है उसी का डायरेक्टर हो, या फिर वो कर्मचारी जिस कंपनी में काम कर रहा है वहीं पर उसका सार्वान हित हो. सार्वान हित का मतलब है उसके पास उस कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर्स हो, या फिर उस कर्मचारी को जो मौद्रिक रूप में सैलरी मिल रही है वो 50,000 पर एनम से अधिक हो. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये विशिष्ट कर्मचारी है, हाउ डू वी फाइंड आउट? तो द फर्स्ट टू इंफॉर्मेशन वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम. हमें दिया जाएगा कि वो उस कंपनी में डायरेक्टर है या उसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो. सिर्फ तीसरी वाली शर्त ही हमें चेक करनी पड़ेगी. तो 50,000 पर एनम सैलरी 12 से हम डिवाइड करेंगे तो 4,000 कुछ आ जाएगा. तो हमें कैलकुलेशन कब करनी पड़ेगी? जब हमारा जो असेसी है उसकी सैलरी 4,000 रुपए पर मंथ के आसपास. तो इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी होने पर ही वो कर्मचारी उस विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में आता है और हम कहेंगे वो स्पेसिफिक एम्प्लॉई है. और उस कंडीशन में उसके लिए ये जो हमने चार फैसिलिटीज देखी हैं वो चार फैसिलिटीज टैक्सेबल होंगी. पहली फैसिलिटी तो है आपकी फैसिलिटी ऑफ मोटर कार, इसको हम डिटेल में देखेंगे, बहुत सारे नियम हैं. दूसरी फैसिलिटी हमारी फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर एंड अदर डोमेस्टिक सर्वेंट्स. तो इसके अंदर क्या होता है, कई बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को कुछ डोमेस्टिक सर्वेंट्स की फैसिलिटी देता है कि उसने जहां वो रह रहा है डोमेस्टिक सर्वेंट स्वीपर लगा दिया, वॉचमैन लगा दिया, उसके गार्डन के लिए माली लगा दिया, कुछ घरेलू काम करने के लिए नौकर लगा दिया. और ये जो इन सब की सैलरी है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय किए. देखिए यहाँ हमें बहुत चीज वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर. एक हमने पहले पढ़ा था, इफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स आर अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉई इटसेल्फ तो उनकी सैलरी देना एम्प्लॉय की लायबिलिटी है, और अगर एम्प्लॉयर वो सैलरी दे रहा है उस स्थिति में तो ये फैसिलिटी सभी के लिए टैक्सेबल होगी. लेकिन अगर एम्प्लॉयर इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो ये फैसिलिटी तभी टैक्सेबल मानी जाएगी जब हमारा असेसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय है. और वैल्यू होता है एक्चुअल सैलरी, जितनी भी एम्प्लॉयर दे रहा है स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर इनको, वही उसकी वैल्यू मानी जाती है. वैसे ही अगर आप एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को फ्री में गैस दे रहा है, वाटर दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, इसका मतलब जो भी बिल्स हैं गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इस कंडीशन में भी यहाँ पर ये फैसिलिटी स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है. तीसरा है फैसिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन या एजुकेशन एट कंसेशनल रेट. कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े एम्प्लॉयर होते हैं, उनके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को वहाँ फ्री एजुकेशन देते हैं या कंसेशन में एजुकेशन देते हैं. तो इस कंडीशन में भी जो नॉर्मल रेट होती है इस तरीके की एजुकेशन फैसिलिटी की, वो इस फैसिलिटी की टैक्सेबल वैल्यू मानी जाती है. तो ये जो तीनों हैं, बाद वाली तीन, फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट, फैसिलिटी ऑफ एमिनिटीज एंड फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, इन तीनों के अंदर अगर एम्प्लॉयर फैसिलिटी दे रहा है तब तो सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए उसकी एक्चुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी, और अगर एम्प्लॉय ने कुछ लिए और उनके बिल्स का पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो सारे ही कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगी. अब हम कैलकुलेट करेंगे, रूल्स हमारे देखेंगे मोटर कार की फैसिलिटी से रिलेटेड. मोटर कार की फैसिलिटी मीन्स फोर व्हीलर की फैसिलिटी, या हम टू व्हीलर की फैसिलिटी टैक्स फ्री होती है. तो ये कई सारी सिचुएशन होती है. पहली सिचुएशन है
इफ द कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कार एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर कार की फैसिलिटी तो दे ही रहा है। अब उसके अंदर ये है कि अगर वो कार पूरा ऑफिशियल पर्पज में ही काम ले रहा है तब तो ये फैसिलिटी नहीं है, तो इसकी कोई टैक्सेबल वैल्यू ही नहीं होगी। फैसिलिटी कब मानी जाती है? जब कोई सुविधा पर्सनल यूजर्स के लिए दी जाती है। अब कार एम्प्लॉयर की है और एम्प्लॉयर उसको पूरा पर्सनल यूज के लिए दे रहा है कि जितना भी वो काम लेगा सबका सब पर्सनल है, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कार दी जाती है एम्प्लॉयर द्वारा, तब तो जो कार की ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% एनुअल वैल्यू मानी जाती है। इसका मतलब पूरा 12 मंथ्स फैसिलिटी है तो कॉस्ट ऑफ कार 5 लाख की कार उसको दी है पूरा पर्सनल यूज के लिए, तो 5 लाख का 10% 50,000 एनुअल वैल्यू हो जाएगी। अब वो आधे साल ही यूज कर रहा है तो उस 50,000 को हम 6/12 कर देंगे। और या फिर उसने कार रेंट पर ली हुई एम्प्लॉयर ने, तो वो जितना रेंट दे रहा है वो रेंट कार की फैसिलिटी की वैल्यू होती है। दूसरी चीज हो रही है, एम्प्लॉयर कार भी दे रहा है और ये कह रहा है कि उसके पर्सनल से रिलेटेड जितने भी रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है वो भी एम्प्लॉयर पे करेगा। ऐसी स्थिति में जितने एक्चुअल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने इनकर्ड किए हैं वो सारे टैक्सेबल वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। अब एम्प्लॉयर कह रहा है भाई कार भी दे दी उसने, सारे खर्चे भी वो बेयर कर रहा है और फिर उसने ड्राइवर की फैसिलिटी भी दे दी, तो जितनी एक्चुअल सैलरी ड्राइवर को एम्प्लॉयर देगा वो भी उस फैसिलिटी की वैल्यू में ऐड होगा। इसका मतलब क्या है, कार की फैसिलिटी अगर फुल्ली पर्सनल यूजेस के लिए दी जाती है तो कार की स्पेसिफिक वैल्यू, एक्सपेंसेस और ड्राइवर की एक्चुअल वैल्यू ऐड करी जाती है। फिर हमारा आ जाता है तीसरी कंडीशन होगी, कार अगर वो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल यूजेस में ले रहा है। इन दिस केस टैक्सेबल वैल्यू हमारी थोड़ी अलग तरीके से होती है, इसमें अलग अलग सिचुएशन होती है। कार तो दी ही दी है उसने, अब उसके जो सारे एक्सपेंसेस है रनिंग एंड मेंटेनेंस के, पर्सनल भी ऑफिशियल भी, सारे एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कार उसको दी गई है पार्टली वो ऑफिशियल में यूज कर रहा है, पार्टली पर्सनल हो रहा है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अमाउंट फिक्स किया गया है कि इतना रुपया पर मंथ उस कार की टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी, और इसके अंदर भी कार की कैपेसिटी के हिसाब से किया हुआ है, बिग कार एंड स्मॉल कार। एंड द क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंग्विशेस इफ द इंजन क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ कार इंजन इज नॉट मोर देन 1.6 लीटर, तब तो वो कार छोटी कार कही जाएगी, स्मॉल कार। तो आगे हम जो स्मॉल और बिग कार करेंगे क्राइटेरिया उसका यही है कि जो इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी है इफ इट इज नॉट मोर देन 1.6 तब तो वो स्मॉल कार है। ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू है 1800 पर मंथ टैक्सेबल वैल्यू, और अगर कार की इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर क्यूबिक से ज्यादा है तो उसके लिए वैल्यू है यहाँ पर 2400 रुपीज पर मंथ। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि कार तो उसको एम्प्लॉयर ने दे दी पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के लिए, लेकिन जो पर्सनल यूजेस के रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉयर नहीं पे कर रहा है। इसका मतलब एम्प्लॉयर ने उसको पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के लिए सिर्फ कार ही दी है, तो स्मॉल कार्स के लिए वैल्यू होती है 600 रुपीज पर मंथ और बिग कार्स के लिए होती है 900 पर मंथ। और इन चारों ही कंडीशन में अगर एम्प्लॉयर ड्राइवर की फैसिलिटी भी दे रहा है तो टैक्सेबल वैल्यू ड्राइवर के लिए फिक्स है 900 रुपीज पर मंथ, तो वो 900 रुपए पर मंथ हर एक में जुड़ जाएंगे, 1800 प्लस 900 2700, 2400 प्लस 900 3300, 600 प्लस 900 1500, 900 प्लस 900 1800। अब कार अगर एम्प्लॉयर की ही है और कोई इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर ने उसको एक से ज्यादा कार पर्सनल पर्पस पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल दी हुई है, सपोज दो कार उसको दे रखी है, दोनों को वो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज करता है, अब हमें देखना है कि उसकी टैक्सेबल सैलरी पे इस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कार को ट्रीट करना है फुली पर्सनल पर्पस के लिए और दूसरी कार को माना जाएगा पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। अब कौन सी कार को पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल माने, किसको फुली पर्सनल माने, ये उसका डिस्क्रिशन है।
तो इसके लिए क्या होगा, आगे भी इलस्ट्रेशन है आप देखते हैं, हम दोनों ऑप्शन देखते हैं कि इफ वैल्यू ऑफ ए कार इज कैलकुलेटेड एज कंसिडरिंग पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल एंड वैल्यू ऑफ बी कार इज कंसिडर्ड एज होल्ली पर्सनल एंड वाइस वर्सा, और जब दोनों की वैल्यू जिस ऑप्शन में कम आएगी एम्प्लॉय फ्री है उसी ऑप्शन को चूज करने के लिए। फिर हमारा आ जाता है कि कार एम्प्लॉय की है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कार एम्प्लॉयर की है, अब हमने पढ़ लिया कार तो एम्प्लॉय की है और रनिंग एंड मेंटेनेंस के उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो उसका एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर कार फुली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज में आ रही है ऐसी स्थिति में तो वो वैल्यू मानी नहीं जाएगी क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं है, सब कुछ वो ऑफिशियली कर रहा है। अब कार अगर वो पूरा पर्सनल में यूज कर रहा है तो एम्प्लॉयर ने उसके पर्सनल यूजेस के जितने एक्चुअल एक्सपेंसेस किए हैं वो पूरे उसकी वैल्यू मानी जाएगी। और अगर उसने कार पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल यूजेस में की है तो यहाँ पर जो हम करेंगे स्लाइड में भी थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी होगी, आप लोग थोड़ा सा इसमें नोट कर लें, एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस 2400 रुपीस पर मंथ फॉर बिग कार। हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि जितने एम्प्लॉयर ने एक्सपेंसेस किए उसमें से 2400 तो ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो वो हम माइनस कर देंगे, खाली पर्सनल ही यहाँ टैक्सेबल करना है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है जिसको आगे भी हम देख लेंगे, स्लाइड भी आपकी थोड़ी करेक्ट करनी होगी। वैल्यू आपकी मानी जाएगी एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस 2400 रुपीस पर मंथ और फॉर स्मॉल कार द वैल्यू विल बी एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस 1800 रुपीस पर मंथ फॉर स्मॉल कार। और दोनों ही कंडीशन में अगर ड्राइवर की फैसिलिटी भी दी गई है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर में मेंटेनेंस और ड्राइवर दोनों का अमाउंट शामिल है, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस एक्चुअल ड्राइवर सैलरी माइनस 2400 एंड 900, 3300 माइनस हो जाएंगे इन केस ऑफ बिग कार, और स्मॉल कार में हमारा माइनस हो जाएगा 18 प्लस 9 2700। ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, मैंने जो अभी हमने देखा है उसी को समराइज किया है कि अगर एम्प्लॉयर सिर्फ कार की फैसिलिटी देता है होली ऑफिशियल में तो हर कंडीशन में फैसिलिटी टैक्स फ्री है, होली पर्सनल है तो कार की वैल्यू हो जाएगी 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, और पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल में सिर्फ कार दिया हुआ है तो फॉर स्मॉल कार इट विल बी 600 रुपीज पर मंथ, फॉर बिग कार इट विल बी 900 रुपीज पर मंथ। कार प्लस एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है तो पूरे पर्सनल है तो कार की वैल्यू तो वही 10% ऑफ कॉस्ट और एक्चुअल एक्सपेंसेस उतने जितने बेयर किए हैं वो ऐड हो जाएंगे। पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है तो फॉर स्मॉल कार इट विल बी 1800 रुपीज पर मंथ, फॉर बिग इट विल बी 2400 रुपीज पर मंथ। अब कार प्लस एक्सपेंस प्लस ड्राइवर दे रहा है, फुली पर्सनल में तो एक्चुअल ले लेंगे हम, और पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल में जो हमने ऊपर ऐड किया था उसमें 900 रुपीज हम ऐड कर देंगे तो 2700 पर मंथ फॉर स्मॉल कार एंड 3300 रुपीज पर मंथ फॉर बिग कार। फिर कार एम्प्लॉयर की नहीं है, कार तो एम्प्लॉई की ही है, एक्सपेंसेस और ड्राइवर एम्प्लॉयर मीट आउट कर रहा है और पूरी पर्सनल यूज के लिए है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस एक्चुअल सैलरी। और अगर कार को वो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूजेस में ले रहा है तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉयर ने जितने एक्सपेंसेस मीट आउट किए हैं उसमें से हम 2700 रुपीज और 3300 रुपीज हम इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ड्राइवर की सैलरी भी है यहाँ पर, वो हमने 1800 रुपया तो कार के एक्सपेंसेस का हो गया, 900 रुपीज ड्राइवर की सैलरी। अब मान लीजिए कार प्लस ड्राइवर ही दिया हुआ है तो कार की तो फिक्स है होली पर्सनल में 10% ऑफ कॉस्ट और ड्राइवर की सैलरी भी एक्चुअल सैलरी, और पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल में 600 रुपए स्मॉल कार के लिए और 900 रुपीज ड्राइवर के तो 1500 रुपए, 900 रुपीज बिग कार के और 900 ड्राइवर के तो 1800 पर मंथ।
अब सिर्फ एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, कार एम्प्लॉय की खुद की है, ड्राइव वो खुद कर रहा है, तो पूरा पर्सनल में यूज कर रहा है, तो जितने एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर मीट आउट कर रहा है वो पूरे उसके लिए टैक्सेबल होंगे, और अगर वो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है तो जितने एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने बेयर की उसमें से हम स्मॉल कार में 1800 रुपीज फॉर ऑफिशियल मानते हुए लेस कर देंगे, और बिग कार के लिए 2400 रुपीज ऑफिशियल खर्चा मानते हुए लेस कर देंगे, बचा हुआ पर्सनल एक्सपेंडिचर आएगा और वो एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी में ऐड होगा। अब आप इसके रूल्स देख सकते हैं, आप सबके पास बुक है, आप इलस्ट्रेशन नंबर 23 निकालें। 23 में आप ये देखेंगे कि हमको ये कहा गया है कि आप जो एम्प्लॉई है उस एम्प्लॉई को कार की फैसिलिटी दी हुई है, एम्प्लॉयर ने दी हुई है, और पहला पॉइंट उसका देखते हैं, सैलरी एक्सीड है 50,000 रुपए से, 1.6 लीटर से कम कार है तो स्मॉल कार हो गई। अब हमें ये कह रहे हैं कि वो उस कार का यूज सिर्फ अपने घर से ऑफिस जाने और ऑफिस से वापस घर आने के लिए करता है, ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, फुली ऑफिशियल है तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू निल मानी जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने उसको कार दी है, इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है तो बिग कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है और वो एक्सपेंसेस थे 25,000 रुपए और कार की कॉस्ट थी 4,00,000 रुपए, तो अब यहाँ पूरा पर्सनल यूज कर रहे हैं तो 4,00,000 का 10% 40,000 प्लस 25,000 एक्सपेंसेस, तो फैसिलिटी की टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 65,000 रुपीज फॉर ए ईयर। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसमें क्या फर्क होता अगर एम्प्लॉई इस फैसिलिटी के बदले में 1,000 रुपए अपने एम्प्लॉयर को पे करता, तो अब इनकम टैक्स में टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 65,000, 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसने 12,000 एम्प्लॉयर को दे दिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, 65,000 की फैसिलिटी उसको 12,000 का पेमेंट करने के बाद मिली, तो 65 - 12 53,000 उसके लिए अब टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। तीसरी पॉइंट है तो हमको एक्चुअल एक्सपेंडिचर से लेना देना नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर तब कंसिडरेबल होते हैं जब कार ओनली पर्सनल यूज में होती है, यहाँ पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है और आपकी बिग कार है, तो बिग कार की कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका बिग है या स्मॉल है हम देख लेते हैं, कार की जो कैपेसिटी है आपकी लेस देन सॉरी स्मॉल कार है, तो स्मॉल कार की कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1800 रुपए तो आपके माने जाएंगे कार की फैसिलिटी के और 900 रुपए ड्राइवर के, तो ये 1800 और 900 2700 रुपए आपका कार की फैसिलिटी की वैल्यू मानी जाएगी, 2700 रुपए पर मंथ, हमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितने महीने के लिए, तो हम मान के चलेंगे पूरा साल ये फैसिलिटी दी गई। अब ये कह रहे हैं थर्ड सिचुएशन में ही क्या डिफरेंस हो जाएगा कि अगर एम्प्लॉय खुद कार ओन कर रहा है और उसका 30% पर्सनल यूजेस में हो रहा है, नहीं इसमें भी ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपए अगर वो चार्ज कर रहा है तो 32,400 उसकी वैल्यू है, और अब वो कितना भी चार्ज कर रहा है वैल्यू इतनी ही मानी जाए, क्योंकि ये वैल्यू हमने टैक्सेशन में दिए हुए अमाउंट से कैलकुलेट करी। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, जिसमें कि उसकी कार है और वो कार को 30% पर्सनल यूज में ले रहा है, 70% ऑफिशियल यूज में ले रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमें 30-70 से कोई लेना देना नहीं है, कार की वैल्यू आपकी छोटी है 1.6 लीटर से ज्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू मानेंगे वो 1800 600 जो हमें क्या कह रहे हैं 30% हो गया
कार कैपेसिटी इज बिलो 1.6, तो यहां पर भी हम उसका 1800 पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेंगे। और यहां पर आपको ये क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर ने जो इंकर्ड किए हैं वो आपके एक्चुअल खर्चे हैं 36,000, तो उन 36,000 को हम इसमें से 36,000 टोटल एक्सपेंसेस हो गए, 1800 के हिसाब से वैल्यू होती है पर्सनल के लिए, उसको लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा बचा हुआ 21,600 टैक्सेबल वैल्यू। फिर वो कह रहा है 6 पॉइंट में उसको 3 कार दे दिए, तो अब ये वाला जो है ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको ये देखना पड़ेगा 3 कार उसने दिए, 3 ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर वो फर्स्ट कार को पर्सनल मानता है और सेकंड कार को पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, थर्ड कार को पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो क्या होगा, क्योंकि वो एक ही कार को पार्टली मान सकता है, बाकी सबको तो उसको फुली पर्सनल मानना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम ये मान रहे हैं कि कार वन फुली आपका पर्सनल है, बाकी दो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। मेरा ये मानना है कि एक बार आप 4 पॉइंट अपने आप कर लेंगे तो ये वाला पॉइंट आप अपने आप से देख लेंगे, और अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि आज तो अभी आप इतना ही कर लें, फिर हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करके और इसको देख लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक जो आज हमने अभी देखा है वो सारा आप अच्छे से समझ पाए होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम लाइव क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू गर्ल्स।